राजपाल यादव की स्क्रीन टाइमिंग में होगा बदलाव। हर फिल्म में एक साइड कैरेक्टर का होना तो बनता ही है, तभी फिल्म में चार चांद लग जाते हैं। तो बस कॉमेडी फिल्मों में तो हीरो भी कॉमेडी होता है एंड कितना अलग अलग साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं, जिन्हें हम राइट हैंड एक्टर भी बोलते हैं कई बार। तो वैसे ये बिछुड़वा 3 में कौन दिखाई देगा साइड एक्टर के किरदार में, फिलहाल तो कास्ट से लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया है, पर हाँ बातें तो हो रही है एंड लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। तब देखते हैं कि डायरेक्टर डेविड धवन किसे फाइनल करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट सतांशी कोठारी और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म जुड़वा 3 के बारे में, यानी कि उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे आपने शायद ही सुना होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जुड़वा 3 के आने की चर्चा काफी टाइम से शुरू है कि कब आएगी, कब शूटिंग शुरू होगी, पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं अब कब होगी शूटिंग शुरू और कब क्या होगा, पर हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि टाइगर हमें दिखाई देने वाले हैं उनके अलग अंदाज में। ये जुड़वा फ्रेंचाइज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, पर वैसे तो हमने टाइगर को कॉमेडी करते हुए शायद ही देखा है, लेकिन एक आध फिल्म थी उनकी ऐसी जिसमें उन्होंने अच्छी खासी कॉमेडी करने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो पाए थे। शायद इस बार ट्राई कर ले तो कुछ अच्छा हो जाए एंड कॉमेडी रोल्स में भी टाइगर श्रॉफ का नाम आना स्टार्ट हो जाए, वो भी सकता है ये। पर जितना भी हो, भले हीरो कॉमेडी करे या ना करे, साइड कैरेक्टर्स का होना बनता ही है और जॉनी लीवर एंड राजपाल यादव जैसे एक्टर्स हो फिल्म में तो अनोखी होती है कॉमेडी। ऐसा नहीं है कि हमने इनका काम आज देखा है, ये तो पक्के खिलाड़ी है कॉमेडी के। बहुत सी फिल्मों में देखा है, जैसे भागम भाग, हीरा फेरी, धमाल और भी बहुत सी फिल्में। अगर इन्हें फिल्मों में नहीं देखने मिलता तो इतना मजा नहीं आता है। और तो और पहले कॉमेडी फिल्मों में बेस्ट से बेस्ट एक्टर्स को लेते थे और पूरी मूवी में भीड़ हो जाती थी, स्टिल बेस्ट कॉमेडी साबित होती थी। और स्पेशली राजपाल यादव, इन्होंने तो हर एक फिल्म में काम किया हुआ है और हर एक एक्टर के साथ। और तो अभी भूलभुलैया 2 के कारण भी काफी ज्यादा छाए हुए है। अब इस हिसाब से राजपाल यादव का स्क्रीन टाइमिंग भी बढ़ना ही चाहिए, वो जुड़वा 2 में भी नजर आए थे, काफी अच्छे से प्ले किया था अपना किरदार। अब जुड़वा 3 में भी ऑडियंस को ऑब्वियसली वो चाहिए ही चाहिए, पर इस बार स्क्रीन टाइमिंग शायद बढ़ सकता है क्योंकि टाइगर कॉमेडी में इतने माहिर नहीं है एंड जुड़वा में तो कॉमेडी होनी ही चाहिए। देखते हैं अब क्या होगा और कैसे होगा, राजपाल यादव जरूर दिखेंगे तो उनका इंतजार जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक अपडेट के साथ। थैंक यू।